मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश स्तर पर वृहद वृक्षारोपण की रणनीति बनाई गई, जिसमें वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया जाएगा। खास तौर पर जन सहयोग से वृक्षारोपण किया जाएगा। आपको बता दें, आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण के लिए नवाचार करने की पहल की है। जीवन में वृक्ष का महत्व सर्वोच्च है। बिना वृक्ष हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वृक्षारोपण के संरक्षण को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश्वर सिंह देव ने प्रशासन के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी होती है। हम सभी प्राणियों के जीवन में स्वच्छ वातावरण का प्रभाव होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है। ये एक अभियान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा से ये और भोपाल के लोगों के सहयोग से ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने नहीं पर साल दर साल चले। दैट इज़ वन। एक और चीज़ की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें भोपाल पर्टिकुलरली दूसरे शहरों से अलग है और ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है। आप केवल इंदौर और भोपाल को कंपेयर कर लीजिए, आपको सब कुछ गंदा दिखेगा। उदाहरण स्वरूप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गंदगी करते हैं, अगर रेलिंग लगा है तो रेलिंग टूटा होगा, अगर मकान बना है तो उसका मलमा पड़ा होगा, दीवार बना है तो दीवार का बीच टूटा होगा, आपका अगर नाले कवर्ड है तो उसमें फर्शियां टूटी होंगी। किसी ने मेरे को यह बात बताई और बताई कि थोड़ा नोटिस करो, और मैं एयरपोर्ट से जब तक अपने घर तक पहुंचा, पहली बार जब मैंने नोटिस किया, वाकई अद्भुत लगा। और उसके जस्ट कुछ समय पहले हम इंदौर से आ रहे थे, तो उसने कहा था कि 2 दिन पहले कि इंदौर देख लो और फिर भोपाल देख लो। देयर इज अ जनरल एटीट्यूड कि सब कुछ चलता है और जो कुछ भी करना है सरकार को करना है। अगर मैंने अपने घर के सामने मकान बनाने के बाद मलमा छोड़ दिया तो नगर निगम कभी ना कभी आज के उसको साफ करेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना बचा हुआ मलमा या टूटा हुआ ये हटा के, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहीं पर रखूं। अगर मेरा बाउंड्री वॉल बना है, वो बाउंड्री वॉल बीच में टूट, इंटरेस्टिंगली कहीं इंदौर में बाउंड्री वॉल टूटे हुए क्यों नहीं मिलते? इंदौर में टूटी हुई फर्श, आप लोग इस नए दृष्टिकोण से भोपाल को देखिएगा, आपको गजब लगेगा। मतलब कि एक शहर जो इतना ग्रीन है एज इट इज, इस डेवेस्टेशन के बावजूद भी, वो मैनमेड इतना गंदा है कि आप लोगों को आश्चर्य लगेगा। और कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना है कि इसको फेज 2 में अपन अगले अभियान के रूप में लेते हैं। बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इन 2010 इट इज 33.32 एंड 19 इट हैज गॉन अप बाय 10 डिग्रीज, इट्स 42 डिग्रीज। अरणी मोहंती साहब, अरणी मैम, आप लोगों को हरा भोपाल शीतल भोपाल के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दिल से शासकीय इकाई लगी हुई है इसको करने के लिए, और जो फिगर्स आपने बताए बहुत अलार्मिंग है। आइए अब हर एक व्यक्ति एक पौधा रोपे। इसमें जो मैं समाज में सबसे बड़ी दिक्कत देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत समूह के लोग आते हैं कि पौधा तो हमें मिल गया, लगाएं कहाँ? जो सक्षम है उनके पास भूमि है, जो रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास भूमि है, लेकिन जो जन जन है उनके पास जगह नहीं है। मैम, ये हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उनको यहाँ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प यू इन अ वेरी बिग वे। बहुत जगह रोक टोक होती है और वो जगह उनके अगर निवास से बहुत ज़्यादा दूर होगी तो मेंटेनेंस में वो भागीदार आपके बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारे अच्छे सुझाव यहाँ आए, कुछ मैं साहब को दे चुका हूँ। And once again, congratulations. Well done, sir. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मेरे तमाम सीनियर्स ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सर। मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आई वाज इंस्पायर्ड विद योर लाइन दैट एक्चुअली इनिशिएटेड द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट सर। सर, द सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग इन द भोपाल सिटी ऑल्सो, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो, वेर सम स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डिफॉरेस्टेशन ड्राइव्स। वी आर सीइंग नाउडेज दैट द सेवरल हिल्स ऑफ द भोपाल and the nearby areas are being encroached and occupied by the different colonizers, sir.
एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा कि भाई आपकी हम परमिशन अब रद्द कर देंगे, आप अगर एक पेड़ के लिए इंदिरा गांधी जी 80,000 रुपये उस वक्त उस जमाने में इनकर कर सकती हैं, तो हम भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि अगर आपने हिल्स को कैप्चर किया है, ऑक्यूपाइड किया है, आपकी परमिशन रद्द की जाएगी, ब्लास्ट करके पूरी कॉलोनी को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि पेड़ को बर्बाद नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे भोपाल लेक में भी एनक्रोच चल रहा है, पत्रिका के शैलेंद्र जी हमारे बाजू में बैठे हैं, लगातार ये लोग भी ड्राइव चला रहे हैं। सर, हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं कि हमारी तमाम एजेंसी बड़ी बेबस नजर आती है जब इनकी रिपोर्ट्स छपती हैं सर, कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। आप लोग बैठे हैं सर, चीफ सेक्रेटरी सर बैठे हैं, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्पीक यू डायरेक्टली, सो वी कैन एटलीस्ट गेट अश्योर्ड कि आप लोग हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा सर उससे। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।